बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो मैथ सेकेंड ईयर है, एक्सरसाइज 6.7 स्टार्ट की हुई है और क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है आज। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालनी है। एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट, और जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है वो हमारे पास है ए सेकेंड थीटा और दूसरा है बी टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास दो पॉइंट है, ए सेकेंड थीटा और बी टेन थीटा। इस पॉइंट के ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होती है, तो सोल्यूशन यहाँ से करते हैं। इस इक्वेशन का क्या करना है, दोबारा से वही जो पीछे वाला क्वेश्चन करवाया था, ए का स्केयर बी का स्केयर एलसीएम। अब ये ए के साथ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्केयर एक्स का स्केयर माइनस ए स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा बी का स्केयर एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर। अब क्या करना होता है, इसी इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के लिहाज से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ओवर डी ऑफ एक्स बी स्केयर एक्स का स्केयर माइनस डी ओवर डी ऑफ एक्स ए स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स ए का स्केयर बी का स्केयर। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू। ठीक है, पावर शुरू में और पावर में से जब एक माइनस करेंगे, टू माइनस वन, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वन ही आ जाएगा, यानी टू एक्स बी का स्केयर माइनस टू वाई ए का स्केयर डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट रकम है तो इसके डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। अब हमने डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स निकालना है, तो माइनस का टू वाई ए का स्केयर डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का टू एक्स बी का स्केयर। अब ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, टू टू के साथ कैंसिल, तो डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स हमारे पास क्या रह गया, एक्स बी का स्केयर ओवर वाई ए का स्केयर। अब हमने स्लोप निकालना डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स एट पॉइंट ए सेकेंड थीटा और बी टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पर एक्स नजर आएगा वहाँ पर मैंने क्या लिखना है, ए सेकेंड थीटा बी का स्केयर डिवाइडेड बाय वाई की जगह बी टेन थीटा ए का स्केयर। एक ए जो है वो ए के साथ कैंसिल, बी बी के साथ कैंसिल, तो जो हमारे पास स्लोप निकला है डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स वो किसके इक्वल निकला है, बी सेकेंड थीटा डिवाइडेड बाय ए टेन थीटा। अब यहाँ पर हमने क्या लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, तो वो क्या होती है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो अब देखिए यहाँ पर वाई उसी तरह आ जाएगा आपके पास, और हमारे पास जो वाई वन है ये एक्स वन है और ये हमारे पास क्या है, वाई वन माइनस का बी टेन थीटा इज इक्वल टू, स्लोप हमारे पास क्या आया हुआ है, बी सिकेंड थीटा ए टेन थीटा। एक्स माइनस एक्स वन हमारे पास क्या है, ए सिकेंड थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए टेन थीटा इंटू वाई माइनस बी टेन थीटा इज इक्वल टू बी सिकेंड थीटा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस ए सिकेंड थीटा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसे आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए वाई टेन थीटा माइनस ए बी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी एक्स सिकेंड थीटा माइनस ए बी सिकेंड स्क्वायर थीटा। अब कोशिश करनी होती है कि हमारे पास ये जो एक्स वाली रकम है ये हमारे पास क्या रहे, पॉजिटिव ही रहे, तो हमने क्या करना है कि इस वाली रकम को दूसरी साइड पे ले जाए, पहले तो ये वाली लिखे ना ज़रा, ए बी इस साइड पे आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए बी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी एक्स सिकेंड थीटा माइनस ए वाई टेन थीटा। अब इन दोनों में से स्टूडेंट देखिए क्या चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं आप लोग, ए बी बाहर बाकी सिकेंड स्क्वायर माइनस टेन
स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू बाकी आगे वाली रकम वैसी की वैसी माइनस का ए वाई टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास एक फार्मूले होते हैं, यहाँ से ऊपर करने लगी हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ए भी है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है सिकेंड का स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर। तो फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ाए होंगे कि हमारे पास जो सिकेंड स्क्वेयर है, जैसे सिकेंड स्क्वेयर थीटा वो बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। यहाँ हम लोग ने जब टेन निकालना हो तो वो किसके इक्वल होता है, सिकेंड स्क्वेयर माइनस वन। अब आप लोग की अपनी मर्जी है कि आप लोग टेन की कीमत दर्ज कर ले या सिकेंड की कीमत दर्ज कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिकेंड की रखने लगी हूँ, क्या आ जाएगी ए बी सिकेंड की क्या मैंने लिखवाई है वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, और स्टूडेंट ये वाला माइनस का आ जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, इक्वल के दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है बी एक्स सिकेंड थीटा माइनस ए वाई टेन थीटा। अब ये टेन स्क्वेयर से कैंसिल, बाकी हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट बनी है बी एक्स सिकेंड थीटा माइनस का ए वाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन निकली है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकली है। अब उसने क्या पूछा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है, नॉर्मल निकालनी है। तो जब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो उसके लिए जो पहले वाला स्लोप है उसका क्या करना है, उलट करना है, यानी रेसिप्रोकल लेना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज एम इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एम वन। तो जो पहले वाला स्लोप है उसके साथ हमने क्या लिखना है, माइनस, और जो नीचे वाली रकम है वो ऊपर जाएगी और ऊपर वाली रकम हमारे पास क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो क्या बनेगा, ए टेन थीटा डिवाइडेड बाय बी सिकेंड थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें कि इक्वेशन ऑफ जब हमने स्लोप निकालनी होगी तो वहाँ पर हमने स्लोप कौन सा इस्तेमाल करना है, माइनस का ए टेन थीटा डिवाइडेड बाय बी सिकेंड थीटा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो वाई उसी तरह माइनस वाई वन हमारे पास क्या है बी टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास क्या है ए टेन थीटा ओवर बी सिकेंड थीटा एक्स माइनस ए सिकेंड थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बी जो है वो वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा बी वाई सिकेंड थीटा। थोड़ा सा डायरेक्ट किया यहाँ से स्टूडेंट, बी ये वाला और ये वाला क्या बनेगा बी का स्क्वेयर सिकेंड थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली रकम रह गई है, माइनस का ए एक्स टेन थीटा माइनस ये और माइनस ये क्या हो गया प्लस ए का स्क्वेयर, बाकी क्या रह गया सिकेंड थीटा और टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, एक स्टेप जो है वो डायरेक्ट किया थोड़ा सा, बी को बी सिकेंड थीटा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है, बी सिकेंड थीटा को बी टेन थीटा से भी मल्टीप्लाई किया है, फिर ऊपर वाली रकम को एक्स के साथ और फिर ए सिकेंड थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर कोशिश करनी है कि एक्स वाली रकम पॉजिटिव रहे तो ये वाली रकम उठा के साइड पे ले आएंगे, क्या बनेगी ए एक्स टेन थीटा प्लस बी वाई सिकेंड थीटा इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर सिकेंड थीटा और टेन थीटा। ये दूसरी साइड पे लेके जाएं तो क्या बनेगा प्लस का बी का स्क्वेयर सिकेंड थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ये रकम आपके पास एज इट इज़। अब इन दोनों में से देखें क्या चीज़ हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम लोग में कॉमन निकाल सकते हैं सिकेंड थीटा और टेन थीटा, बाकी क्या रह गया ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। अब ये जो ए सिकेंड थीटा टेन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब जाएगा तो इसने क्या होना है डिवाइड होना है, यानी ए एक्स टेन थीटा डिवाइडेड बाय सिकेंड थीटा टेन थीटा, फिर यहाँ पर प्लस बी वाई सिकेंड थीटा, यहाँ पर सिकेंड थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, टेन थीटा से कैंसिल, सिकेंड सिकेंड से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रकम रह गई है ए एक्स ओवर सिकेंड थीटा प्लस
बी वाई ओवर टेन थीटा इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट, तो दोबारा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें हुआ क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशंस को जो है वो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाई है, उसका क्या लिया, डेरिवेटिव लिया है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ए सीकेंड थीटा और बी टेन थीटा, वो जहाँ पर एक्स नजर आना है वहाँ पर क्या रखे हैं, ए सीकेंड थीटा, और जहाँ पर वाई नजर आया वहाँ पर हमने क्या रखा, बी टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है, पॉइंट दर्ज किए हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, एड सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है वो हमारे पास आई है बी एक्स सेकेंड थीटा माइनस ए वाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी। जब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी होती है, जो पहले वाला स्लोप होता है उसका उलट करना होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या आ गया, ए टेन थीटा ओवर बी सेकेंड थीटा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से मैंने जो है वो स्लोप की कीमत दर्ज की है, फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एड सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये वाली आ गई। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआ में मुझे इकरा फ़याज़ को याद रखें। अल्लाह हाफिज़।